गर्मी से तो हम भी कर लेते कब की बगावत, देती ना जो वो हमें कुदरती आम की दावत। सो वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द अनुभव सप्रा शो, अ शो वेयर यू बॉन्ड ओवर फूड, आर्ट एंड कल्चर। अब आपको मेरी शायरी से ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरे फेवरेट फूड, या कहें सभी लोगों की फेवरेट फूड, आम है। पर आम और गर्मी के रिश्ते के अलावा आज हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं आम के बारे में। टुडे वी आर इन कन्वर्सेशन विद टू यंग टैलेंटेड एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, नूर एंड भावना। वेलकम नूर एंड भावना ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर। इससे पहले हम आम के बारे में बातचीत करें, हम जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में। मतलब मुझे आपके बारे में पता चला, इनफैक्ट लिंक्डइन पे एक आपने एपिसोड अपलोड किया था रिसेंटली, जिसके बारे में हम लोग आज बातचीत भी करेंगे, मैंगो के बारे में, आम के बारे में। और इनफैक्ट आम का मौसम भी अब, अभी लीची आई है कुछ दिन में, और ज्यादा मतलब थोड़ी बहुत तो इनफैक्ट आ भी चुकी है बाजार में, लेकिन हाँ। और भी वैरायटीज की आम जल्दी जुलाई अगस्त में और भी मिलती है, तो उसके बाद डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले आप हमें बताएं अपने ये नूब स्टोरीज, इस जर्नी के बारे में। मैं इनफैक्ट आपसे बात करने से अभी थोड़ी देर पहले फिर आपके चैनल को स्क्रॉल भी कर रहा था, देखा आपने काफी अच्छी फूड रिलेटेड स्टोरीज भी की हुई हैं, चाय की कहानी है उस पर, और भी फूड रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में बातचीत की हुई है। तो कैसे शुरुआत हुई नूब स्टोरीज की, पहले तो अपने बारे में बताइए, उसके बाद फिर नूब स्टोरीज के बारे में। ठीक है। तो मेरा नाम भावना है और मैं नूर हूँ। और सबसे पहले तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम इंटरव्यू दे सकें। मतलब हम सोचते थे कि जिंदगी में कभी अपनी जर्नी के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही करियर की शुरुआत में इसके इसके प्रति मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर में मिले थे बैचलर्स के, और उसके बाद हम दोस्ती से फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ बढ़ते गए, और फिर हम सारे काम एक साथ हमने किए, पढ़ाई भी और जितनी भी इंटर्नशिप्स वगैरह हर चीज हमने साथ ही करी है। और हम दोनों ही कल्चर और हेरिटेज एंथुजियास्ट हैं, तो नूब स्टोरी का आइडिया कुछ इस तरह से ही आया कि हमें आर्ट और कल्चर को एक्सप्लोर करना जो है बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब हम कॉलेज में थे तब से ही सोचते थे कि इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। तो हमने एक दो साल पहले सोचा कि कुछ फूड रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू करें। बहुत ज्यादा हम लोगों को देखते थे तो मजा आता था उनका कंटेंट देखने में, फूड रिलेटेड, हेरिटेज रिलेटेड और स्टोरी टेलिंग। फोटोग्राफी का हमें बड़ा शौक है, तो उसके साथ साथ फिर हमने जो है एक इंस्टाग्राम पेज खोला नूब स्टोरीज के नाम से। और कई लोगों को पता है कई लोगों को नहीं पता, नूब स्टोरी हम दोनों के नाम पे ही रखा गया है, नूर का नू और भावना के भाव से वो जो है नूब स्टोरी क्रिएट हुआ है। तो फिर हमने जो है उस पर फोटोग्राफी का शौक है, तो जो फोटोज हमें पसंद आती है, जो नेचर आर्ट कल्चर से रिलेटेड स्टोरी होती है, वो हमने इंस्टाग्राम पे डालनी शुरू करी। और फिर लॉकडाउन जब हुआ पिछले साल, तो हमारे पास इतनी फुर्सत आ गई कि जो हम स्टोरी टेलिंग, पहले हम दिल्ली में हेरिटेज वॉक लीडर भी रह चुके हैं 3 साल, तो जो स्टोरी टेलिंग हम वहाँ पर करते थे वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। और अब हम क्योंकि पटियाला में रह रहे हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी फुर्सत थी अपने टाइम को जो है एनहांस, उसको यूटिलाइज करने की। तो उसके बाद जो स्टोरी टेलिंग का दिल्ली में हेरिटेज वॉक करने का पैशन था, वो हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया वर्चुअल टूर के साथ। तो वहीं से नूब स्टोरी जो है फिर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ, और जो स्टोरीज हम मॉन्यूमेंट में सुनाते थे फिर वो हमने अपने इस रूम में बैठ के क्रिएट करनी शुरू करी। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अच्छा कंटेंट हो तो, आपने ऐसे शुरुआत में कहा कि खुशकिस्मती है कि आप इस शो पे हैं, आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे और अपने आप रिकॉग्निशन मिलती है अच्छे काम की। तो मतलब मैं तो शुरुआत में ही कहूँगा कि आप जिस तरह से आपने कंटेंट बनाया है, आपने वीडियोस डाली हैं रिसर्च के साथ में, और एक जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है वो दिखता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप अगर मतलब रियल टाइम में वहाँ पे नहीं है, लेकिन वर्चुअली भी अगर आप किसी चीज को या तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो या फिर आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, तो आपको लगे कि आप उस जगह पे हो। तो वो चीज होती है स्टोरी टेलिंग की, वो काफी खूबसूरती से आप दोनों ने किया है। अच्छा अच्छा ये जानना चाह रहा था मैं कि आप लोग अभी पटियाला में है, तो अभी आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, आप लोग की पढ़ाई खत्म हो गई? सर हमने अपनी मास्टर्स लास्ट ईयर फिनिश किया है हेरिटेज कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में, लेकिन फिर जैसा कि लॉकडाउन का टाइम आ गया तो फिर हमें कुछ और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन नहीं थी। तो
तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, और हम दोनों को डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, हम टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चर को रिकॉर्ड करके मतलब उसके बारे में और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं फिल्म मेकिंग में, तो फिर उसके बाद हम पटियाला है, और पटियाला इसलिए चुना क्योंकि ये सिटी हमने देखी हुई थी, और अपने हेरिटेज कॉन्जर्वेशन की पढ़ाई के टाइम हम यहाँ पे किला मुबारक है, हम वहाँ पे काम भी करने आए थे, वॉल पेंटिंग्स की कॉन्जर्वेशन में हमने काम किया था, तो हम जगह देखी हुई थी, और हम प्लस चाह रहे थे कि हम एक इकोनॉमिकल कोर्स करें जो ज्यादा लॉन्ग टर्म भी ना हो, ज्यादा पैसे भी ना खर्च हो, तो इसलिए हमने फिर पटियाला चुना। तो अभी फिर हम लोग यहाँ पे हैं और कोर्स अब बस खत्म होने वाला है। तो अब फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं आप, जैसे आपकी आपका कोर्स खत्म होगा उसके आप लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में जाएंगे, या फिर दोबारा से जो आप लोग हेरिटेज वॉक्स ओल्ड दिल्ली या दिल्ली में कंडक्ट करते थे वो दोबारा से कंडक्ट करना शुरू करेंगे, या फिर जो अभी कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे? तो हम जो है हर चीज में अपना हाथ जो है डालना चाहते हैं और हर चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का शौक है तो ये कोर्स करने आ गए, हेरिटेज कंजर्वेशन अच्छा लगता था तो मास्टर्स उसमें करी, और अभी करेंटली तो हम एक चैनल के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो अभी वो पब्लिश अभी वो काम प्रोसीडिंग में है, और उसके बाद फिर हमने सोचा है कि हम इसी पैशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टाइम तो यूट्यूब करेंगे ही, और सिमिलर जो आर्ट एंड कल्चर में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो हम ग्रैब करेंगे। चलिए अभी तो हम लोग भी दिल्ली में लगभग एक डेकेड से फूड वॉक्स करते आ रहे हैं, 2011 से, मतलब काफ़ी समय हो गया मुझे दिल्ली में फूड वॉक्स करते हुए, लेकिन कोविड के कारण हमारे भी वॉक्स बंद है, और इनफैक्ट जैसे अब लग रहा है, अब माहौल तो ऐसा बन रहा है कि केसेस डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर दोबारा से नॉर्मलाइज हुआ और हम लोग ने दोबारा से रिज्यूम किया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ आके दिल्ली फूड वॉक्स में भी फूड टूर्स कंडक्ट करना चाहें, लोगों के लिए फूड स्टोरी टेलिंग करना चाहें, तो वो आगे हम लोग कभी प्लान कर सकते हैं। ये तो हमारा ड्रीम है ये। आपके साथ एसोसिएट होना और काम करना। अच्छा अब नूर और भावना आप ये बताएं कि आप लोग जो कंटेंट बनाते हैं उसके पीछे मतलब एक कंटेंट बनाने जो हमें दिखता है सामने उसके पीछे काफी मेहनत होती होगी, उसके पीछे काफी रिसर्च होता होगा, तो उसपे बताएं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सर सबसे पहले तो हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, और टॉपिक हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमें खुद भी इंटरेस्ट हो, जैसा कि हम ज्यादातर फूड हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एक किस्से सामग्री की है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जैसे हर खाने की कहानी होती है कि कौन से इंग्रेडिएंट की कौन सा स्पाइस कहाँ से आया है, ये मसाला कहाँ से होगा, तो ये सब हमें बहुत क्यूरियोसिटी जगाता है। तो हम सोचते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका कुछ भी कुछ एक भी इंग्रेडिएंट उठाएं तो उसकी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी, तो कभी कभी हम इस पे टॉपिक्स चुनते हैं। और जैसे मेरी फैमिली जो है वो पार्टीशन सर्वाइवर है, तो जब हम दिल्ली गए मतलब जब टाइम मिला तो हम दिल्ली गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना मेरे नानी नाना से कहानियां सुन के उनको रिकॉर्ड करके डाला जाए, क्योंकि वो भी ओरल हिस्ट्रीज का पार्ट है। और उसके साथ साथ हमें म्यूजिक का शौक है, तो हम उस तरह के टॉपिक्स हमने अमीर खुसरो साहब पे बनाए हैं, जगजीत जी चित्रा जी पे वीडियोस बनाए हैं, तो हम जो भी चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है और हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे, हम ऐसे सबसे पहले टॉपिक्स उठाते हैं। उसके बाद हमारा रिसर्च का प्रोसेस शुरू होता है, हम अलग अलग PDFs देखते हैं, इंटरनेट बेस्ड रिसर्च होती है, अलग अलग हिस्टोरियंस और लोगों के व्यूज सुनते हैं, और फिर कुछ अपना जो हमारे मत है उस चीजों पे उस सबको अमेलगमेट करके फिर हम एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और फिर ये एक तो हो गया आपका रिसर्च का पार्ट, टॉपिक का पार्ट, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं? तो रिकॉर्डिंग तो सारी की सारी हम अपने फोन में ही करते हैं, क्योंकि हमें ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, और हम जब चाहे इसमें अपने हिसाब से 2 घंटे में 3 घंटे में कर सकते हैं, और कन्वीनियंट भी होता है, हमारी वॉइस वगैरह भी हम अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं, और एडिटिंग भी हम अपनी सारी की सारी फोन में ही करते हैं। तो अभी के लिए तो हमारे पास फोन ही है, तो हम आगे चल के देखेंगे कि हम और क्या लैपटॉप और क्या एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, तो अभी के लिए जितनी हमने वीडियोस बनाई हैं एडिटिंग से लेके सारा काम वो सब हमारे फोन में ही रहा है, जो कि आज की मीटिंग भी इसमें ही है। नहीं नहीं ये काफी काबिले तारीफ है कि आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसमें पिक्चर्स बीच में डालते हैं, फोटोज डालते हैं, तो वो भी मोबाइल के थ्रू एडिट करना, मतलब मैं अभी भी आज की डेट तक इतने साल हो गए मुझे वीडियोस फिल्म करते हुए,
लेकिन मुझे ठीक से कैमरा हैंडल करने नहीं आता, मुझे एडिटिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, तो मैं काफी स्ट्रगल करता हूँ। ये काफी आज के डेट में एक बहुत ही अच्छा स्किल सेट है, अगर कुछ भी काम ऑनलाइन करना चाहें तो, और वो भी मोबाइल से आप करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं पटियाला, आप लोग पटियाला में, पटियाला में आया था लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर इनफैक्ट आया था लोहड़ी के समय, हाँ और मतलब लोहड़ी सेलिब्रेट किया वहाँ पे एक लोकल फैमिली के साथ। और पटियाला में थोड़ा बहुत जो मतलब जिस समय था तो उसमें काफी दुकानें बंद भी थी, तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ पे था, तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे एक एपिसोड बनाया भी, लोगों ने काफी पसंद भी किया और काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी खाई थी। मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते हुए पटियाला के बारे में, तो हाँ कभी मौका लगा तो दोबारा पटियाला फिर प्लान करेंगे, तो आप लोगों से अगर आप बिल्कुल लोग रहे वहां तो मुलाकात भी होगी। तो जी जी आप लोग बिल्कुल। वैसे रहने तो वाले दिल्ली के हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं तो साउथ दिल्ली में अंबेडकर नगर से, और नूर मैं राजौरी गार्डन। पैदा रजौरी गार्डन में हुई थी, लेकिन फिर मेरी फैमिली गुड़गांव में शिफ्ट हो गई, लेकिन सारी एजुकेशन तो दिल्ली में ही करी है। अच्छा, हाँ तो दिल्ली ज्यादा पसंद आया आता है या पटियाला? अच्छा दिल्ली तो दिल है, वहां तो जान बसती है, लेकिन फिर जिस शहर में जाओ तो वो धीरे धीरे करके वो भी अपना हाँ लगने लगता है। हाँ सही सही कह रहे हैं आप। जहाँ रहते रहते आप कुछ समय घर के साथ भी ऐसा होता है, आप जब घर शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो शुरुआत में अटपटा सा लगता है, लेकिन धीरे हाँ धीरे वही जगह अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। जी वैसे ही शहर के साथ भी है कि जिस शहर में आप जाते हैं रहने लगते हैं तो वो शहर भी अपना लगना शुरू हो जाता है कुछ हाँ समय बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब नूर और भावना, हम जिस बारे में आज बात करने के लिए आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं आम के बारे में। आम का मौसम है और मेरा बर्थ प्लेस मुजफ्फरपुर रहा है, मुजफ्फरपुर बिहार में, जहाँ की लीची बहुत फेमस है। मतलब उससे अच्छी लीची पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, उसको लीची अच्छा कैपिटल भी कहते हैं। साथ साथ वहाँ पे आम भी मिलते हैं काफी अलग अलग वैरायटी के, ऐसे मालदा आम वहाँ पे एक आता है, और सभी लोगों को मतलब आम इतना पसंद है, नाम आम है लेकिन वो खास है हम सब लोगों के जी लिए, है बिल्कुल कि नहीं? सही बात। और आपने जो एक अपने एक चैनल में डाला था, एक एपिसोड आपने किया आम के ऊपर में, तो हमें आम के बारे में बताइए कि क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, क्या ओरिजिन है आम की इंडिया में, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि जैसे जैसे हिस्टोरिकली टाइमलाइन के हिसाब से कैसे कैसे आम की कौन किन को पसंद था, क्या बनता था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर क्या वेराइटीज हैं अलग अलग आम की इंडिया में, तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो जो आम है, जैसे कि आपने बड़ा अच्छे से बोला कि हम सबके लिए बड़ा खास है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव फ्रूट है अपने कलर, स्मेल, टेस्ट, हर चीज की वजह से। तो आम हम फ्रूट की तरह ही नहीं, हम इतनी चीजों में कंज्यूम करते हैं, जैसे हम मैंगो लस्सी पीते हैं, और आम का पन्ना हम सबके घर में बनता है, और उसके साथ साथ हम सबकी मेमोरीज हैं, गर्मियों में आम के अचार डलते हैं घरों में, तो उसकी इतनी मेमोरीज हम सबके साथ हैं। उसके साथ साथ बंगाल की साइड में आम की दाल भी बनाई जाती है, और आम के साथ हम लोग मतलब आमचूर पाउडर जो है वो तो सबके घरों में ही होता है, तो आम की इतनी सारी फॉर्म्स हम अलग अलग तरह से कंज्यूम करते हैं, और आम्रखंड वगैरह भी, बट ज्यादातर हम स्वीट चीजें कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो बहुत सी मजेदार रेसिपीज और उसके सेवरी एंगल के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। और फिर अगर हम थोड़ी सी बात करें उसके ओरिजिन वगैरह की, तो हमें आम के जो ओरिजिन है, जैसे हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि टमाटर पोर्चुगीज के साथ आया, या आलू जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ सिर्फ 100 साल पहले ही फेमस हुआ है। तो जो हिंदुस्तानी है वो जान के बड़ा खुश होंगे कि जो आम है वो बिल्कुल हमारा अपना है, और इसके जो अर्लीस्ट रेफरेंसेस भी जो हमें मिलते हैं वो हिंदुस्तान के जो आज का जो ईस्टर्न इंडिया का एरिया है, जो जो कोलकाता का एरिया हो गया, या जो आसाम वगैरह का एरिया हो गया, या फिर हिंदुस्तान की जो हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, म्यांमार, अर्लीस्ट कल्टिवेशन जो आम की शुरू हुई थी वो इन्हीं एरियाज से हुई थी, और वो धीरे धीरे करके फिर पूरे हिंदुस्तान में फैला, साउथ इंडिया में फैला, और फिर जो है पूरी दुनिया में वो फैलता चला गया। और जो आम के अर्लीस्ट रेफरेंसेस भी जो हम देखें कि लिटरेचर में कहाँ पे मिलता है, या फिर हिस्ट्री में इसका कब सबसे पहले मेंशन आता है, तो इसको जो है पहले एक वाइल्ड प्लांट की तरह देखा जाता था, धीरे धीरे ये जो है लोगों के कल्टीवेशन में प्लांटेशन का पार्ट बना,
और हमें जो है इसके लिटरेचर में रेफरेंस वैदिक पीरियड में भी मिलते हैं, उसके बाद हमारे एपिक्स में भी मिलते हैं, रामायण में भी मिलते हैं, और उसके बाद जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मिलते हैं। तो उस समय पर इसे जो है जो अर्ली वैदिक पीरियड में इसे जो है आम्रफल या फिर रसाला कहा जाता था, तो उस आम्रफल से ही आज जो आम शब्द है वो निकला है। और इसके साथ जो हम मैंगो शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो भी इस तरह से है कि जो तमिल शब्द है मंगई या जो मलयालम शब्द है मंगा, वहीं से जो है वो अंग्रेजी शब्द मैंगो भी निकला है। और उसके साथ साथ अगर हम कल्चर्स में बात करें तो हमारे हिंदुइज्म में कामदेव के साथ इसको एसोसिएट किया गया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसको ऑस्पिशियस माना जाता है क्योंकि ऐसा समझते हैं कि जो बुद्ध भगवान थे वो आम के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेट किया करते थे, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आम को पॉपुलराइज करने का जहां जहां भी वो गए। और उसके साथ जैनिज्म में जो गॉडेस अंबिका हैं, जब भी हम उनकी किताबों में रेफरेंस देखते हैं या फिर उनके मंदिरों में स्कल्पचर देखते हैं या किताबों में जो स्कल्पचर या पेंटिंग्स उनकी देखते हैं, वो हमेशा आम के पेड़ के नीचे बैठी होती हैं। तो आम जो है हमेशा से हिस्ट्री में एक प्रोस्पेरिटी का, गुड लक का, इन सब का सिंबल हमेशा से माना गया है। और आम का जो पेड़ है वो बांग्लादेश का भी नेशनल ट्री है, हमारा जो है आम नेशनल फ्रूट है, पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है, पहले फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है। तो आम हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल रहा है। तो मतलब काफी मतलब ये है हिंदुस्तानी। हाँ। जी ये बिल्कुल हिंदुस्तानी है। और ये पूरा इंटरेस्टिंग था कि मैंगो जो अंग्रेजी नाम पड़ा आम का, वो भी इंडिया से ही हुआ हाँ है, मतलब जी इंडिया में ही, केरल आपने बताया, कहाँ पर बताया, मलयालम, जी जी मलयालम शब्द मंगा से या फिर तमिल शब्द जो मंगई है वहीं से मैंगो निकला है। अच्छा, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि काफी कंट्रीज का नेशनल फ्रूट है, जैसे फिलीपींस का आपने बताया, पाकिस्तान का भी बताया आपने, और जी इंडिया जी का। क्या इंडिया बात का है, क्या बात है। इनफैक्ट इसका काफी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, जैसे आपने कुछ बताया कि हिंदुइज्म में है, घर में अगर पूजा होती है या फिर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी लोग आम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ हाँ आम को मतलब एज अ फ्रूट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसका है। जी और आप लोग ने अपने चैनल पे बताया है कि आम मुगल के टाइम पे मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से खाया जाता था, तो उसके बारे जी में बताएं। हाँ तो मुगल से पहले हम बात करना चाहेंगे सल्तनत पीरियड पे, क्योंकि जब हम मेडिवल एज की बात करते हैं तो सल्तनत पीरियड एंड मुगल वही दो सबसे प्रोमिनेंट हैं। तो जो सल्तनत पीरियड के सेकंड डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, उसके जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी जो काफी पॉपुलर हैं, वो आम के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने एक सिवाना फोर्ट था वहां पे एक बार एक दावत रखी थी और उसमें जितनी भी डिशेस प्रिपेयर करवाई गई थी वो सब आम से बनाई गई थी। और जो अमीर खुसरो साहब हैं जो कि उन्हें जो है तूतीय हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान का सबसे फेमस पोएट राइटर माना जाता है, गजलें उन्होंने इतनी लिखी हैं, तो उन्होंने भी जो अपने लिटरेचर में आम को जो है बहुत ज्यादा सराहा है। और उन्होंने आम को शब्द दिया है नकजा तरीन मेवा हिंदुस्तान, जिसका मतलब होता है फेयरेस्ट फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि एंशियंट इंडिया में भी जो कालिदास रहे हैं जिसको हम सब जानते हैं, वो भी जो है आम को बहुत ज्यादा उन्होंने अपने लिटरेचर में प्रेस किया है और उन्होंने भी आम के ऊपर कई कविताएं अपनी लिखी हैं। और अब अगर बात करें हम लोग मुगल पीरियड की, तो मुगल क्विजीन, तो मुगलई खाना हम सबको आज भी बहुत ज्यादा पसंद है, बट जो आज उसकी फॉर्म्स है वो काफी ज्यादा बदल चुकी हैं जैसा कि वो ओरिजिनली था उससे। तो मुगल क्विजीन बेसिकली एक अमेलगमेशन था यहाँ के इंडिजीनियस फ्लेवर्स का, उसके साथ साथ पर्शियन और तिमूरिद फ्लेवर्स का। तो हर एम्परर के आने से उसकी जो फ्लेवर्स थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, वो बदलते गए। और उसके साथ साथ जो उनकी बेगमें थी उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया खाने में बदलाव के लिए। तो जैसे हुमायूं जो सेकंड मुगल एम्परर थे, उनकी जो बेगम थी हामिदा, उनके आने से मुगल कुजीन में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और सैफ्रन का यूज होना शुरू हुआ। फिर जो अकबर थे उनकी उनके बहुत सारे मैरिज अलायंसेस थे राजपूतों के साथ, तो एक होल रेंज ऑफ राजपूत कुजीन मुगल दस्तर खानों पर देखने को मिली उनकी राजपूत बेगमों की वजह से। और अगर हम लोग आम की बात करें तो मुगल बहुत ज्यादा शौकीन थे आम के, और मुगल पीरियड में हॉर्टिकल्चर जो था वो काफी ज्यादा एक्सपैंड किया गया,
और जो बाबर थे वो इतने ज्यादा शौकीन नहीं थे क्योंकि वो अपनी फरगना वैली जहाँ से वो आए थे उसको मिस करते थे, तो वहाँ पे मेलन्स, तरबूज, खरबूज ये पॉपुलर फ्रूट्स थे, और वहीं से जो है तरबूज और खरबूज भी हिंदुस्तान आए हैं, और वो नाम भी हम आज भी वही नाम बोलते हैं उनके। और उसके साथ साथ जो उसके बाद जो एम्परर्स आए वो एक आम की लेगेसी थी जो हर एम्परर ने फॉलो करी और सारे ही बड़े शौकीन निकले आम के। तो अगर हम बात करें अकबर के, तो अकबर के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि दरभंगा के पास एक उन्होंने गार्डन बनाया था जिसका नाम था लाखी बाग। लाखी बाग, और वहां पे उन्होंने 1,00,000 आम के पेड़ उगवाए थे। और इन आम के पेड़ों में जो है जो आज हम रतौल खाते हैं या जो केसर खाते हैं या तोतापुरी जो वेराइटीज है वो उस टाइम पे इवॉल्व हुई थी। और उसके साथ साथ जो उनके टाइम की लिटरेचर है जैसे आईनी अकबरी जो की अबुल फजल ने लिखी है, या फिर तुजू के जहांगीरी जो है जो जहांगीर ने लिखी है, उसमें भी हमें आम के बहुत सारे मेंशन मिलते हैं कि वो किस तरह से आम को अलग अलग चीजों के साथ इनकॉर्पोरेट करके अपने खानों में इस्तेमाल करते थे और आम की अलग अलग खुशबू किस्में उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। और जो जहांगीर और शाहजहां थे वो अपने जो खानसा में थे उनको अवार्ड किया करते थे आम की अलग अलग किस्में बनाने के लिए, अलग अलग डिशेस बनाने के लिए, और उन्हीं डिशेस में से कुछ थी जैसे कि आम पन्ना जो हम आज सब बहुत पसंद करते हैं वो उस टाइम पे बनाई गई थी। आम की लॉज एक मिठाई है और आम के मीठे पुलाव, ये सब चीजें आम से बनाई जाती थी। और इसका रेफरेंसेस एक हिस्टोरियन है सलमा यूसुफ, उन्होंने मुगल खानों पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, तो उनसे हमें पता लगता है कि आज जो हमें कॉम्बिनेशन अटपटे लगते हैं कि हम फ्रूट और चिकन या मीट को मिलाने में बड़ा कतराते हैं, बट मुगल्स के टाइम में जो फ्रूट्स थे उनको और सेवरी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर पुलाव बनाने हैं तो उनको पोमोग्रेनेट के जूस में उबाला जाता था उनको एक रूबी कलर देने के लिए, या फिर जो और शाहजहां के टाइम में हमें ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि वो आम के साथ मीट डिशेस बनवा के खाना पसंद करते थे। और वो एक कोशिश हमने भी करी थी, हमने अपने लास्ट सेगमेंट में एपिसोड के आम की एक डिश बनाने की कोशिश करी थी, वो हमने अपने ही दिमाग से बनाई थी मुगल कल्चर से इंस्पायर होके। तो हमने यही सोचा कि मतलब जितना हमें पढ़ के समझ आया कि वो हमेशा थोड़े सिट्रस फ्रूट्स को यूज करते थे, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर डिश थी मुर्ग मुतंजन, वो संतरों से के साथ और चिकन और मीट को मिला के पुलाव बनाए जाते थे। और जैसे कि पोमोग्रेनेट है उसकी भी मीठी खट्टी तासीर होती है, तो हमने सोचा कि आम का टाइम है तो क्यों ना हम आम से एक्सपेरिमेंट करके देखें। और हम दोनों को चिकन खाने का बहुत ज्यादा शौक है, हम बहुत ही चिकन बनाते हैं, तो हमने सोचा और हमें एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, हमने सोचा कि चलो आम से बना के देखते हैं कैसा बनता है। वो बड़ा ज्यादा जबरदस्त बन के आया। और तो आपने बताया कि हिस्टोरिकली मुझे याद है मिर्जा गालिब, उनको हाँ, भी आम बेहद पसंद था, उन्होंने काफी उसके बारे में लिखा भी है। तो ऐसे मतलब काफी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है आम। अब हम लोग आते हैं थोड़ा मॉडर्न पीरियड में, आम की वैरायटीज के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। कौन सी वैरायटीज कौन सी जगह पे हिंदुस्तान में होती है, और सबसे अच्छी एक तो जैसे अल्फोंसो है वो बहुत ही मतलब इंडिया से ज्यादा इम्पैक्ट लगता है, मुझे एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो इंडिया से बाहर चला जाता है खाने के लिए। और फिर दिल्ली में दशहरी है, फिर रतौल के आम है, फिर हमने लंगड़ा है, उसके बाद चौसा है, बहुत अलग अलग वैरायटीज के आम होते हैं। तो उसमें आप बताएं क्या क्या वैरायटीज पूरे इंडिया में मिलती है। तो जैसा कि हमने बात करी कि इतनी वैरायटीज मिलती हैं, तो ये बड़ी ताजुब की बात है कि वैरायटीज के नाम भी हिस्टोरिकल चीजों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो बैटल ऑफ चौसा था वहां पे जो कहते हैं जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जब बैटल हुई और उसमें जब शेरशाह सूरी जीतते हैं तो वो उस रीजन में जो आम उगवाते हैं या उस टाइम पे जो आम इवॉल्व हुए उनका नाम चौसा पड़ गया। और जो रोहिला चीफ्टन्स थे उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जो है दशहरी आम है उन्होंने वो नाम उसे दिया। तो इस तरह से आम की जो है अलग अलग नाम भी पड़े और वो अलग अलग रीजन में फेमस हुए। तो और जो वो है क्या है मराठी पेशवा रूलर थे एक, तो उनके रेन में उन्होंने करीबन 1 करोड़ आम उगवाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो मराठा जो महाराष्ट्र सबसे फेमस है अपने हापुस अल्फोंसो आम के लिए, तो उस टाइम पे जो आम उगवाए गए थे वही जो फ्रूट्स बने उन पेड़ों के वो आज के दौर के अल्फोंसो आम है। ये एक फोकलोर है बट इसे काफी पसंद किया जाता है। तो इस तरह से हमें रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आपके आप लोगों की सबसे पसंदीदा आम कौन सी है? हमें तो दशहरी बहुत ज्यादा पसंद है,
क्योंकि उसका मैंगो शेक बड़ा जबरदस्त बन के आता है, मीठा मीठा सा, सफेदा थोड़ा सा वो होता है कि कभी खट्टा निकल जाता है, लेकिन जो दशहरी है वो हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। और कच्ची कैरी भी बड़ी पसंद है। हाँ, कच्ची कैरी पसंद है, उससे बहुत चीजें बना सकते हैं। और अब हम क्योंकि अलग रहते हैं, पहले तो घरों चीजें बनती थी, मतलब दादी नानी मम्मी यही सब खाने बनाते थे, लेकिन अब हम अलग रहते हैं तो अब हमें खुद से शौक आता है कि जो बनता था अब हम खुद बनाए। तो अब हम प्लान कर रहे हैं जब कच्ची कैरी आएगी तो हम वो आम का पन्ना बनाएंगे। अचार तो मुश्किल है डालना और हम दो ही हैं खाने वाले तो इतना तो खाएंगे नहीं, बट आम पन्ना हम सोच रहे हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ ये सही इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले थे कि आम से क्या क्या चीजें बनती हैं। डिशेस के तो थोड़ी आपने रेफरेंसेस आपने दिए हिस्टोरिकली कि अलग अलग रूलर्स के टाइम पे क्या क्या डिशेस बनाई जा रही थी और काफी पॉपुलर भी था। अभी हाँ अभी के जमाने में एक तो आम जो कच्ची कैरी है उसका एक तो उसकी लॉज भी बनाई जाती है, एक खटमिट्टी भी बनती है अचार। मुझे याद है मेरी मम्मी अब तो खैर नहीं बनाती लेकिन हमने बहुत खाया है पराठों के साथ खट्टी मीठी हाँ एक आम उसको बना के जार में मर्तबान में इनफैक्ट जी जी उसको रख देते थे और उसके पराठे सिर्फ सादे पराठे और साथ में खटमिट्टी मिल हाँ जाए तो अभी भी मुंह में जायका आ गया बोलते हुए। तो वो एक खटमिट्टी अचार और उसके बाद फिर खट्टा अचार आम का अचार होता है और वो आम के अचार की वैरायटी भी जगह जगह बदलती चली जाती है। कहीं हाँ बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बनता है, कहीं बिल्कुल सरसों के तेल में डूबा हुआ होता है, और हाँ एक आजकल जो बाजारों में वर्जन मिलता है जिसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव के लिए काफी ज्यादा तेल भी डालते हैं उसमें वो रहता है। और एक अचार ऐसी चीज है जिसको आप मतलब आप सादा खाना भी हो, सिर्फ आपके पास ऐसे बेसिक जो हम कहते हैं कंफर्ट फूड सिर्फ चावल दाल हो या फिर खिचड़ी हो, अगर सिर्फ एक अचार के फॉर्म में आम का अचार मिल जाए तो वो टेस्ट बिल्कुल दोगुना कर देता है। और आम मतलब आम एक तो ये अचार का फॉर्म है, और कौन से फॉर्म्स में आम को इस्तेमाल किया जाता है आज के कंटेम्परेरी हाँ टाइम्स में? जी, तो जैसा कि आपने बोला आपके घर में भी चटनी बनती थी, मेरी नानी भी सेम चटनी बनाती थी और हम भी उन्हें सादे पराठों के साथ ही खाते थे, तो मेरी भी वो मेमोरी अटैच्ड है और अचार के साथ तो है ही। और साथ साथ हम आजकल वो आम रस काफी ज्यादा पीते हैं और उसके साथ साथ जो आम्र खंड है वो काफी ज्यादा खाई जाती है। और आम की आजकल के दौर पे हम लोग मीठी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जैसे घरों में भी मैंगो शेक हम काफी ज्यादा पीते हैं और उसको हम अपने वर्जन, आइसक्रीम डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, टूटी फ्रूटी डाल दी, तो उसको हम थोड़ा सा अपना वर्जन दे देते हैं, कभी कभी चॉकलेट डाल दी थोड़ी सी और आम की लस्सी बना ली। तो आजकल मुझे लगता है ज्यादातर तो इन्हीं फॉर्म्स में हम कंज्यूम करते हैं और बहुत कम जगह है जहाँ पे उसको लेके पूरी एक प्रॉपर डिश बनाई जाती है, लेकिन आज छोटी छोटी चीजों में जैसे मिठाई हो गई या फिर वो चमचम में आम का फ्लेवर हो गया या मैंगो पेस्ट्रीज हो गई, हम इन फॉर्म्स में ही आजकल ज्यादा कंज्यूम करते हैं। मतलब ड्रिंक्स हो गया और स्वीट्स हो गए और स्वीट्स खाने, हो मतलब गए। हर फॉर्म में आम एक ऐसी चीज है, ऐसा फल है हाँ जो सबके साथ चल जाता है, चाहे आपको लस्सी पीनी हाँ हो या फिर खीर बनाना हो या फिर हाँ फ्लेवर्स इस्तेमाल करने हो। इनफैक्ट आपसे बात करते करते मुझे वो डिश याद आ रही है, पुरानी दिल्ली में एक कुल्फी की दुकान है कूड़ेमल महावीर जी। प्रसाद, वो हाँ साबुत हाँ आम की कुल्फी बनाते हैं, उसकी हाँ गुठली आम की गुठली निकाल देते हैं, उसके अंदर जी जी कुल्फी का मटेरियल डाल के उसको फिर जमाते हैं, और फिर जब आप वो कुल्फी खाते हैं तो आपको आम के जो स्लाइसेस हैं जो पल्प है वो भी मिलता है खाने को और साथ साथ कुल्फी मिलती है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो हाँ काफी और अलग अलग फ्रूट्स का भी जी करते हैं और जी और हमने इनफैक्ट इससे उससे इंस्पायर, इंस्पायर होके हाँ, हम लोगों ने भी जब जैसे ही अभी आम का सीजन आया अप्रैल में, ऑल्दो इतने अच्छे आम नहीं आ रहे थे लेकिन वो कुल्फियों के जो हम वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे तो इतना मजा आता है कि कितना टेम्पटिंग होगा ये, तो हमने भी शुरुआत में बना के देखी थी तो हाँ उतनी ही मजेदार बनी थी और जो लोग बनाना चाहते हैं वो भी घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और एक और डिश में आपसे बात करते करते जहन में आ रही है, एक पुरानी दिल्ली में और कुल्ले की चाट मिलती है जो फ्रूट कुल्ले होते हैं, तो जो फ्रूट कुल्ले में आम के कुल्ले सबसे अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि वो एक तो आम के कुल्ले बनाते हैं उसके अंदर में अनार डाल देते हैं, चने डाल देते हैं, थोड़ा सा भूरा डालते हैं और अपना मसाला डालते हैं, थोड़े नींबू डाल देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक जूसी और अलग अलग फ्लेवर्स निकल के आते हैं उसमें। आपसे बात करते करते मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी से आम आए और सभी वैरायटीज हम लोग डिश कर सके, और बिल्कुल दिल्ली में तो खासकर मतलब काफी मैंगो शेक्स हर गली नुक्कड़ पे, इनफैक्ट पूरे इंडिया में हर जगह मिलने शुरू हो जाते हैं जैसे ही हाँ राइपेंड मैंगोज आने शुरू हो जाएंगे बाजार में तब से। अच्छा ये तो हमने नूर और भावना आपसे बातचीत की आम के बारे में,
और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स और लिसनर से आम के बारे में? तो जो अगर हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं, तो जो बहादुर शाह जफर थे, जिनके टाइम के ही थे मिर्जा गालिब साहब, तो वो सब भी आम के बहुत ज्यादा शौकीन थे। और बहादुर शाह जफर की तो हमें पेंटिंग्स, क्रॉकरी, इन सब चीजों में भी आम की डिपिक्शंस देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी आम के इतने ज्यादा शौकीन थे कि उनकी बहुत सारी पोएम्स में जो है वो सिर्फ आम को ही डेडिकेटेड है। और उनकी बड़ी फेमस पोएम है आमेर मौंजरी, वो भी आम के ऊपर ही लिखी गई है। और इसके साथ मुझे याद आया, जो शाहजहां के बेटे हैं दारा शिकोह, वो भी आम को बड़ा पसंद करते थे। वो हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, वो स्कॉलर थे, वो अलग अलग फील्ड में आर्ट एंड कल्चर में काम करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें जो है एग्रीकल्चर पे कंपाइल करी। उनकी एक किताब है नुस्खा दर फनी फलाहत, जो कहते हैं कि पूरी की पूरी कल्चर, जो एग्रीकल्चर में किस तरह की तकनीकें अपनाई गई, किस तरह से वो उस टाइम पे करते थे प्लांटेशन, किस तरह से कौन कौन सी किस्में उगाते थे, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमें वो जानने को मिलता है। वो वन ऑफ द बेस्ट किताब कही जाती है उस टाइम पे पुरानी एग्रीकल्चर की तकनीकों को जानने के लिए। और इसके साथ साथ जो शाहजहां की बेटी थी जहान आरा, वो भी जो है कहते हैं आम की बड़ी शौकीन थी। और शाहजहानाबाद जो था उस समय पर, पुरानी दिल्ली जो आज है, तो एक आम की जो है छटा गर्मियों के आते ही लग जाती थी। आम की अलग अलग डिशेस शाहजहानाबाद में मीठी खासकर बिका करती थी। और कहते हैं कि जो शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, जो अगले एम्परर बने, और जहान आरा जो थी उनके बीच में खटपट जो है हमेशा लगी रहती थी। तो कई बार जहान आरा अपनी बातें मनवाने के लिए गिफ्ट में जो है औरंगजेब को आम दिया करती थी। तो जो आम थे वो एज गिफ्ट्स, एज पॉलिटिकल अलायंसेस, एज वॉर बूटीज, इस तरह से भी एक्सचेंज किए जाते थे। और जब हम कल्चर की बात करी रहे और हम नूरजहां की बात ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। तो जो हम चिकनकारी के कपड़े पहनते हैं और जो गुलाब के इत्र लगाते हैं, उस सब का क्रेडिट नूरजहां को जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो खाने की जो डेकोरेशन होती थी उसकी बड़ी शौकीन थी, जैसे जिसको हम आज गार्निश कहते हैं। तो अलग अलग तरीके सोचती थी कि किस तरह से राइस पाउडर से या फिर रस और चीनी मिक्स बना के उनको अलग शेप्स दे के पुलाव सजाना, और इस तरह से वो इनोवेशंस करती रहती थी। और उनकी एक इनोवेशन ऐसी भी कही जाती है कि वो आम और रोज पेटल्स को मिला के वाइन्स बनाया करती थी। तो इस तरह से हमें मुगल कल्चर्स में काफी आम का इस्तेमाल देखने को मिलता और इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा मिलती है उस समय से कि अगर बनाने बैठे तो सालों लग जाएं वो तकनीकें अपनाने में। है। अच्छा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी कुछ था ऐसा आम का रेलेवेंस, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए? हाँ, तो जो पोर्चुगीज थे उन्होंने तो आम के ट्रेड को बहुत ज्यादा फैलाया। मतलब आम एक मेन इंग्रेडिएंट होता था जो ट्रेड हुआ करता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम में, जो आम का हम जो बात कर रहे हैं कि इतना रॉयल दर्जा था, इतना इम्पोर्टेंट था, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा और वो एक कॉमन फ्रूट बन के रह गया। तो उस पर कुछ खासा उनका कुछ काम के हमें बारे में पता नहीं लगता। और ये भी कहते हैं कि जब आम यूरोप गया हिंदुस्तान से ट्रैवल करते हुए, तो जितना हमारे एरिया में उसे पसंद किया गया, उतना उसे सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप में उतना ज्यादा प्रेज नहीं किया गया। वहां पर एक कॉमन फ्रूट है, लेकिन हमारे लिए तो वो एक डेलिकेसी है। ऐसा क्यों, मतलब कि बाहर के देशों में, बाहर के कंट्रीज में उतना पॉपुलर नहीं हो सका आम? या तो वहां के कुछ अपने लोकल ब्रीड्स होंगे, लोकल फ्रूट्स होंगे, हाँ, हो इसलिए सकता ऐसा हो सकता है। जैसे है। उसमें बहुत सारे हाँ फ्रूट्स हैं जो इंडिया नहीं मिलते, बाहर से आते हैं, जी, तो वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। वैसे लगता है सेम हुआ होगा आम के साथ भी। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि 1000 से ज्यादा किस्में हैं, तो हो सकता है जो बाहर किस्में मिलती हो वो ज्यादा फ्लेवर्स उससे उनके रिलेट कनेक्टेड कर हैं। पाते हैं। हाँ, और मेरे को लगता है ये भी हो सकता है कि जो गर्मियों में आम खाने का मजा आता है वो उनके उसमें ना आता हो, जो ठंडी बिल्कुल कंट्रीज हैं। और बिल्कुल। हम लोग तो आम को जैसे ही आता है तो, मतलब अब तो खैर नहीं करते, लेकिन बचपन की यादें हैं कि पानी के टब में पूरी, मतलब आम की, एक दो आम नहीं आते थे घर में, 1 किलो 2 किलो पूरी पेटी आती थी, पूरा केस आया और उसको हमने पानी के टब में डाल दिया, थोड़ा उसको पानी में रहने दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, थोड़ा जो गर्माहट है वो निकल जाए। और उसके बाद फिर गर्मियों के मौसम में जब लू चलती है, जब आप घर के अंदर होते हैं, तो साथ में पूरे फैमिली के साथ बैठ के उसको रेलिश करना,
उसको खाना, उसके वो बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ में, सभी के साथ ऐसा होता होगा, हाँ बिल्कुल, और है ना एक हाँ साथ हमारी भी इकट्ठे। है वो हमें तो लगता है आम एक इमोशन है, हाँ और जिस घर इमोशन में अभी हम है। रहते हैं हमारे बेल्कनी से ठीक हाँ दो पेड़ है आम के, जहाँ पे इतने बड़े बड़े आम उगे हुए हैं, और हम रोज अपनी बेल्कनी में खड़े होकर बस उन पेड़ों को देखते हैं, जब हवाएं चलती है तो हम सोचते हैं गिरे तो हम लपके। जी, यही होता है जब आम के टिकोलो, जब टिकोले होते हैं मतलब छोटी, तो वही होता है कि लोग पेड़ों से तोड़ के अपना घर पे ले जाते हैं और कुछ कुछ चीजें बनाते हैं उससे। चलिए हाँ तो ये हिस्टोरिकल तो हमने बात की, सल्तनत पीरियड से मुगल पीरियड और उसके बाद ब्रिटिशर्स, और अब मॉडर्न अभी के टाइम पे आम तो खैर काफी पॉपुलर है ही, और कुछ आप बताना चाहें आम के बारे में? सर, अपनी मेमोरीज हम शेयर कर सकते हैं आम के साथ। तो जी जी वही हमें बचपन की याद, जब स्कूल जाते थे तो फिर गर्मी में आते थे तो मम्मी आम फ्रिज में लगा के काट के रखती थी, तो रोटी और सब्जी के साथ आम ही खाने में इतना ज्यादा मजा आया करता था, ठंडा। और कभी कभी जब भूख नहीं लगती या सब्जी अच्छी नहीं बनी हुई तो आम में ही थोड़ा मसाला डाल के आप रोटी उसके साथ खाओ, उसमें ही अपना इतना आनंद होता है। ये बिल्कुल आप सही कह और रहे हैं कि ऐसे हाँ मैं महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ आम रस और पूड़ी हाँ जी जी बहुत वहाँ बहुत चलता है, और हाँ इनफैक्ट सिर्फ सादी रोटी हो और उसके बाद हाँ अच्छा आम मिल जाए तो उसका भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मतलब वही देखिए हाँ आम कितना वर्सेटाइल है, मतलब हर एक चीज के साथ वो अपनी जगह बना लेता है, चाहे आपके जी पास सब्जी ना हो तो रोटी के साथ खा लीजिए। इनफैक्ट बिहार में वहां भी ये होता है कि चूड़ा, जो फ्लैटन राइस जिसको बोलते हैं, फ्लैटन राइस जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ उसको भी हल्का सा भिगो लिया और उसके बाद उसका पल्प लेके आपने मैंगो को साथ, उसको उसके मैंगो के पल्प के साथ खाया, वो भी काफी लोग शौक से खाते हैं। मतलब वही है कि कहने वाले कि आप आम ऐसे ऐसा फ्रूट है जो हर के साथ चल जाता है और हर एक फॉर्म में, कच्चे से लेकर पके हुए तक आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आम की खासियत ही है कि वो जहां जाता है उसमें अपने आप को जो है मिला लेता है उसके साथ। आप खट्टा खाएंगे उसमें आम उतना मजेदार लगेगा, मीठे में लगेगा, हमने चिकन के साथ बनाया तो वो उतना ही बेहतरीन लग रहा था और उसका फ्लेवर को इनहेंस कर रहा था। हाँ हाँ, बस मेरा अंतिम सवाल था कि अभी आप लोग और फ्यूचर में किस तरह का कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं? सर हमारा इंटरेस्ट तो ज्यादातर फूड में ही है, तो हम जैसा कि हमने बताया कि हमें बहुत ही क्यूरोसिटी रहती है कि हम एक समोसा भी खा रहे हैं तो उसकी कहानी क्या होगी, पहले क्या डलता होगा, क्योंकि आलू तो 100 साल पहले से ही डलने लगा है, तो उससे पहले उसमें मीट डलता था, जो आज हम रमजान में वो काफी पॉपुलर है चिकन के समोसे, मीट के समोसे, तो आज के दौर में वो एक डेलिकेसी है लेकिन तब वो कॉमन होता था। तो हमें इस तरह से हर इंग्रेडिएंट के बारे में जानने का बहुत शौक है, हर टेक्निक के बारे में बहुत शौक है, और हम वो कोशिश करते हैं कि हम खुद जितना उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट बहुत बड़े तरीकों से तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजों से, जैसे पहले जमानों में कोल पे मीट पकाया जाता था तो हमें बड़ा शौक चढ़ा कि हम भी वो करके देखे, तो हमने अंगीठी खरीदी, तो हमने अंगीठी पे तंदूरी चिकन बना के देखा जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के आया। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम करते हैं, और हम फूड रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड कंटेंट ही डालेंगे जिन जिन चीजों का हमें शौक है, क्योंकि जब हम वॉक्स लीड करते थे तो आप मॉन्यूमेंट में आप एक पूरा चीजें दिखा सकते हो, आप आर्किटेक्चर भी डाल सकते हो, आप एस्थेटिक भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप वर्चुअली बात करते हो तो जरूरी होता है कि चीजें वो उठाई जाए जो आपको भी इंटरेस्ट करें और व्यूअर्स को भी मजा आए सुनने में। तो इसलिए हमारा फोकस तो यही रहेगा कि खाने, किस्से, कहानियां, और जहां जहां हम घूमने जाएंगे वहां की चीजें दिखा के हम अपने चैनल पे डालते रहें, और और यही हमारे चैनल की टैगलाइन है कि वो है विरासत के किस्से कहानियां। चलिए नूर भावना, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और काफी इंटरेस्टिंग आपने कहानियां सुनाई हमें, जैसे आपने कहा किस्से और कहानियां सुनाई आम से रिलेटेड, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो चैनल है नूब स्टोरीज में इसी तरह से आप अच्छा कंटेंट बनाते रहें और लोगों को पता चले। हम लोग अभी अपने शो नोट्स में आपके यूट्यूब चैनल का लिंक और आपके सोशल मीडिया का लिंक डाल देंगे ताकि और भी लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, चाहे वो आम हो या फिर और भी फूड स्टोरीज जो आप लोग अपने चैनल के पे आप लोग अपलोड करते हैं उसके बारे में, तो वो जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप कभी दिल्ली आए तो बहुत ही अच्छा रहा कि हम लोग साथ में एक छोटा सा फूड टूर प्लान करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल है ना, और कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मुझे याद है
लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली में एक टूर किया था। उसका नाम था समर कूलर्स। मतलब ये होता है कि आप कुछ कुछ चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें करते रहते हैं। तो उसमें ये था कि जो गर्मियों के समय जो चीज़ें खाने के मिलती है दिल्ली की, जो लोकल है हाँ डेलीकेसीज, उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो उसमें हमने आम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे मैंगो ओ खीर अच्छा किया, मैंगो लस्सी किया, और उसके बाद मैंगो चाट किया जो बताया मैंने कुल्ले को, मैंगो आइसक्रीम की। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आम से रिलेटेड थी। और फिर जहाँ जहाँ जाते थे उस वहाँ पे आम के कहानियों के बारे में बातचीत करते थे। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा है कि आपके साथ हम लोग भी कभी नेक्स्ट टाइम जब आप ये बिल्कुल दोबारा से कोविड खत्म हो और टूर्स रिज्यूम हो तो फिर मिलेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। आगे थैंक एक्सप्लोरेशंस करेंगे। चलिए, यू सो मच थैंक यू सो सर। मच। थैंक थैंक यू, यू सो सो मच मच सर। थैंक यू।